नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। भाजपा नेता के बेटे के बर्थडे में हर्ष फायरिंग करने वाले दो आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 336 के तहत कार्रवाई की है। साथ ही अगर हथियार लाइसेंस है तो उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि शुक्रवार से सोशल मीडिया पर तेजी से एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में बार वाला नाच रही है और उस पर कुछ लोग नोट लुटा रहे हैं। इतना ही नहीं, वीडियो में कुछ लोग फायरिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो कॉलेज जिला पंचायत की प्रशासनिक समिति के सदस्य एवं भाजपा नेता सरदार सिंह परियार के बेटे आकाश परियार के जन्मदिन पर आयोजित पार्टी का बताया जा रहा है, जो 19 सितंबर को मुरैना थाना अंतर्गत निबुआपुरा स्थित घर पर होने की बताई जा रही है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस के संज्ञान में आया। पुलिस ने वीडियो के आधार पर हर्ष फायरिंग करने वालों की पहचान करते हुए दो आरोपियों को नामजद किया है। एसपी ग्वालियर अमित सांगी के अनुसार जिले में धारा 144 लागू है, बावजूद इसके हर्ष फायरिंग का वीडियो सामने आया है। पुलिस ने दो आरोपियों को धारा 336 के तहत नामजद किया है। साथ ही अगर हर्ष फायरिंग लाइसेंस बंदूक से की गई है तो उनके लाइसेंस भी निरस्त किए जाएंगे। फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस पकड़ से बाहर हैं। पुलिस उनकी सरगर्मी से तलाश कर रही है। किसी का बर्थडे है और हर्ष फायर हो रहा है, थाना मुरार क्षेत्र का प्रकरण था। इसमें चूंकि 144 भी अभी लगी हुई है और इस तरह से हर्ष फायर करके सोशल मीडिया पर डाला गया है, जो कि कानूनी रूप से उचित नहीं है। इसमें धारा 336 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया गया है दो नामजद लोगों के विरुद्ध। शीघ्र ही गिरफ्तारी करके और जो वीपन यदि लीगल वीपन है तो उसका लाइसेंस निरस्तीकरण का कार्य प्रस्ताव इसमें भेजा जा रहा है।